तो प्रोटीन बना होता है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड का, इसीलिए प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीमर। लिपिड किसी भी तरह से, लिपिड का कोई मोनोमेरिक फॉर्म नहीं होता, लिपिड इज नॉन पॉलीमेरिक। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमेरिक, उसका यूनिट क्या होगा? मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड ब्रेक होगा डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड ब्रेक होगा मोनोसेक्राइड में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट है, इसमें से दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है, वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। फर्क होता है डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर। दोनों में राइबोज शुगर है, उसमें डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में, और आरएनए में क्या है? राइबोज शुगर। दूसरा फर्क क्या है? डीएनए में मौजूद होता है थाइमीन और आरएनए में मौजूद होता है यूरेसिल। डीएनए होता है ज्यादा स्टेबल, आरएनए होता है लेस स्टेबल। आरएनए ज्यादा तेजी से म्यूटेट करता है, डीएनए कम स्पीड से म्यूटेट करता है। आरएनए के पास मौजूद होता है सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, याद होगा, डीएनए के पास नहीं होता है। सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आरएनए ज्यादा तेजी से रिएक्टिव हो जाता है, मोर रिएक्टिव। आरएनए इज मोर रिएक्टिव, डीएनए इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आरएनए। डीएनए का जो मोनोमेरिक फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, और जो आरएनए का मोनोमेरिक फॉर्म होगा उसको बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पांच कार्बन का सुगर, पेंटोस सुगर, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, दोनों पांच कार्बन के सुगर होते हैं। और अगर सुगर में, पेंटोस सुगर में, पांच कार्बन के सुगर में, अगर पांच कार्बन के सुगर में अगर नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाए तो वह कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और अगर उस न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो बनता क्या है? न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीटली न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड का चेन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर दो न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए की चेन। नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो तरह के, प्यूरीन और पिरिमिडीन, एडेनिन और ग्वानिन आर प्यूरीन, साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल आर पिरिमिडीन। स्लाइम माउल्ड आर प्रोटिस्टियन फंगस, दे हैव फंगाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। थाइसेरम इज ए स्लाइम माउल्ड। डायनोफ्लेजिलेट्स, दो फ्लैजिला, लेकिन दोनों का लोकेशन, लोकेशन क्या होगा? अलग, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा एक ट्रांसवर्सली होगा, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा और एक ट्रांसवर्सली होगा, दोनों का लोकेशन अलग।
यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजिला, एक छोटा एक बड़ा। डाइएटम्स, उनका सलवाल होता है सिलिका का बना हुआ। इनडेस्ट्रक्टिबल वॉल्स, कभी ना टूटने वाले, इनडेस्ट्रक्टिबल। जब डेथ होती है तो यही सिलिका डिपॉजिट होता रहता है, बाद में ये डाइएटमेसियस अर्थ बनाता है। लिविंग रहते हैं तो इनका स्ट्रक्चर सोप बॉक्स जैसा होता है, डाइएटमेसियस अर्थ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये तो सीक्वेंस है सेल डिवीजन का, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोजोम का नंबर यहां पर नहीं बदलता, सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल होता है एस फेस में। एस फेस मतलब सिंथेसिस फेस। लेकिन मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर बिकम हाफ। और मियोसिस हमेशा दो स्टेप में होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। अब मियोसिस वन में भी प्रोफेज सबसे लंबा होता है। प्रोफेज वन में चार पांच स्टेप होंगे, लेपोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, जिसमें से लेपोटीन और जाइगोटीन दो स्टार्टिंग के दो यहां पर स्टेप हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। क्रोमोजोम नंबर बिकम हाफ इन मियोसिस एंड क्रोमोजोम नंबर सेम इन माइटोसिस। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो बीच में गैपिंग होती है, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि करीब करीब 10 to 50 नैनोमीटर की होती है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बनता है, फिर वो जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर पोर के रास्ते साइटोप्लाज्म में आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार लोग होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, चार लोग होते हैं। इसके अलावा कोई भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता। गॉल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी ने 1898। राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल में पॉन्ड में डिस्कवर किया था किसने, एंटोन वॉन लीवन हॉक। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय परकिंजे। बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लैमार्क एंड ट्राइवेरानस। फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जियोग्राफी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेरेस्टस, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा का यूज हम लोग करते हैं जेनेटिक रिसर्च में। क्लेविसेप्स एक फंजाई है जिसे एक डिजीज होती है एरगॉट ऑफ राई। क्लेविसेप्स से कौन सी बीमारी होती है, एरगॉट ऑफ राई। मोरेल्स, ट्रफल्स, ये सारे डिलीशियस होते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मशरूम एगेरिकस फंजाई है, बैसिडियोमाइसिटीज है। सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर। एल्गी और फंजाई का सबसे कॉमन तरीका, एल्गी और फंजाई में सबसे कॉमन सी बात यह होती है कि उनका रिप्रोडक्शन सिमिलर तरीके से होता है,
सबसे खास बात होती है इन दोनों में, सबसे जो लिंक है वो ये है कि इनका रिप्रोडक्शन सेम तरीके से होता है। और दूसरी चीज जो कोनिडिया होता है, ये भी एसेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया इज एसेक्सुअल स्पोर। कोनिडिया हमेशा बाहर होता है ऑर्गेनिज्म के, बाहर बनता है। ये स्पोर जो होता है कोनिडिया वो बाहर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर। और जो स्पोर हमेशा बॉडी के अंदर बनता है, इसलिए जू स्पोर को बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर। जू स्पोर में पाया जाता है फ्लैजिला, जू स्पोर इज फ्लैजिलेटेड, इसीलिए जू स्पोर जो होता है मोटाइल, और कोनिडिया नहीं होता, कोनिडिया नॉन मोटाइल। कोनिडिया कहां कहां पाया जाएगा? एस्कोमाइसिटीज में और डिटोरोमाइसिटीज में। एकाइनोडर्मेटा की एक खास बात होती है कि उसकी बॉडी होती है स्पाइनी, एकाइनस उनकी बॉडी होती है स्पाइनी, और इनके मेंबर सारे होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सारे टीनोफोरा होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सारे एकाइनोडर्मेटा होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सभी सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सभी यूरोकॉर्डेटा होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सभी कार्टिलेजिनस फिश होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ समुद्रों में ही पाए जाएंगे। और कोई फाइलम क्लास हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा की सबसे खास बात क्या है? हेमिकॉर्डेटा में क्या है, कॉर्डेट्स लाइक फीचर होते हैं, बट दे आर नॉट ट्रूली कॉर्डेट्स, दैट्स व्हाई दे आर सेपरेटेड इनटू अनदर फाइलम, दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स, हाफ कॉर्डेट्स। दे हैव स्टोमोकॉर्ड, दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड होता है उनके पास। बॉडी उनकी डिवाइड होती है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में, और एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है प्रोबोसिस ग्लैंड से। प्लेटी हेलमेंथिस में क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स। प्रॉन्स में होता है ग्रीन ग्लैंड। ऑर्थोपोडा में होता है मेलफीजियन ट्यूब्यूल। अर्थवा में होता है नेफ्रिडिया। फ्लेम सेल को और क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। फिश तो सिर्फ दो ही होती हैं, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो। कार्टिलेजिनस फिश के पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, बोनी फिश के पास एयर ब्लैडर होता है। कार्टिलेजिनस फिश के पास हमेशा तैरना पड़ता है इनको, बोनी फिश को हमेशा तैरने की जरूरत नहीं है, दे मेंटेन दियर बायंसी। कार्टिलेजिनस फिश सिर्फ समुद्रों में पाई जाती हैं, बोनी फिश समुद्रों में, रिवर में, फ्रेश वाटर में, एक्वेरियम में, हर जगह पाई जाएंगी। कार्टिलेजिनस फिश प्योरली प्रीडेटर होती हैं, ट्राइगोन, स्टिंग रे, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कार्कैराडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। और जो बोनी फिश होती है, लेबियो, रोहू, मंगूर, क्लेरियास, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश, कार्टिलेजस फिश मैक्सिमम जो होती हैं वो डायरेक्टली बच्चे पैदा करती हैं, विवीपैरस। लेकिन जो बोनी फिश होती हैं, दे आर मोस्टली ओवीपैरस। कार्टिलेजस फिश में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है, लेकिन बोनी फिश में नहीं होता, इनका फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। फ्रॉग मेंबर है बेटा किसका, एम्फीबिया का, हर तरह से अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, फेरेंजियल, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, हर तरह का रेस्पिरेशन कर लेते हैं फ्रॉग। नेक नहीं होता एम्फीबिया में, एम्फीबिया मतलब डुओस लाइफ, लैंड पे भी रह ले, पानी में भी रह ले।